मैनपुरी में पंचायत चुनाव से पहले दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां दो पक्षों के बीच चुनावी वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना देवर के एकरियापुर गांव में ब्रजेश के यहां दावत का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान प्रधान चुनाव को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। इस खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। मामला था साहब, मैं सो रहे थे। और इन लोगों ने 30-35 आदमी ने लाठी डंडा आके और मतलब मेरे भाई को जान से मार दिया। क्या नाम था? सिपाही राम। कौन बिरादरी? लोधी राजपूत। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? प्रधानी को लेकर हुआ था। शाम को मतलब भंडारा चल रहा था, उस समय पंगा कर दिया, खाना नहीं खाने दिया। अच्छा, राम सभा की बात। ये सर प्रधानी के ऊपर हुआ, ये प्रधानी जो पूर्व प्रधान है ना, ये जी ये ज्यादा बदतमीज कर रहा है, गुंडागर्दी से। क्या नाम है उसका? अखिल यादव है, वर्तमान। हाँ, वर्तमान प्रधान है ये। ये बहुत ही दबंगी से वोट मांगता है और गांव वालों से इसने मेरे ताऊ की जो हत्या करवा दी मार मार लाठी और बंदूकों से। वहीं गांव में खूनी संघर्ष की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने गांव के लोगों से घटना को लेकर पूछताछ भी की। सीओ ने बताया कि खूनी संघर्ष के दौरान एक पक्ष की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। अंकारीपुर गांव से सुबह लगभग 7 बजे सूचना आई कि दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, पत्थर भी चला है। इस सूचना पर पुलिस आई तो दो पक्ष, एक पक्ष सिपाही राम पक्ष है, दूसरा राजीव पक्ष है। सिपाही राम के पक्ष में सिपाही राम को लाठी डंडे की चोट लगी, जिससे इनको CSC ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही राम के पक्ष के 6-7 लोग चोटिल हैं तथा दूसरे पक्ष के भी 5 लोग चोटिल हैं। अभी तहरीर ये लोग देंगे, जिस हिसाब से तहरीर मिलती है उचित जाँच करके त्वरित कार्रवाई की जाएगी। क्या गोली की भी कोई घटना है? फायरिंग, हवाई फायरिंग की सूचना मिली है कि दोनों पक्षों से हवाई फायरिंग हुई है, अभी लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई किसी। फिलहाल पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और मृतक के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैनपुरी से आशीष सक्सेना की रिपोर्ट।